नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चूरू झलक में। आज राजगढ़ में संदीप सिंह चंद्रपुरा को क्षत्रिय करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा चूरू के संगठन मंत्री कृष्ण कुमार भाकर, मनदीप भाकर, विजय कुमार पुनिया प्रधान, बिकू डोकवा, दीनदयाल पुनिया, हुसैन खान, विकास नाइक, मुकेश कुमार, सूर्यनाथ प्रजापत, रणधीर सेन, अनिल डोकवा, कमल सिंह राठौड़ आदि लोग उपस्थित रहे। कृष्ण कुमार जी, आज संदीप सिंह चैनपुरा का आपने स्वागत किया है, इनके बारे में कुछ बताएंगे आप? सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा बड़े भाई संदीप को, चैनपुरा को। ये सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े जुझारू और कर्मठ और लोकप्रिय है, और इन्होंने अपने समाज का जो क्षेत्रीय करणी सेना के रूप प्रदेश का दायित्व मिला है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप इसी प्रकार से हर वर्ग को साथ लेकर चलने की, इनके अंदर जो क्षमता है, कौशलता है, आज हमने इनका प्रदेश अध्यक्ष बनने पर इनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि एकता और भाईचारे की मिसाइल ये कायम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे, ये मेरा कहना। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अच्छा काम करें और आपको ढेर सारी बधाई हो। सुखा संदीप सिंह जी, जिस प्रकार से राजगढ़ में आपके दोस्तों ने आपका स्वागत किया, एक जाट समाज के युवाओं ने आपका स्वागत किया, इस पर आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे जाट समाज के भाइयों का, जिस तरीके से इनका साथ और सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा है। चाहे मैं राजगढ़ से अध्यक्ष रहा, चाहे मैं चूरू जिले से अध्यक्ष रहा या राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा, तो मुझे मैंने जिस तरीके से सर्व समाज की जब भी कोई बात आई, उनके हक और अधिकार की जब भी कोई बात आई, हमेशा मैं तत्पर मेरी टीम के साथ तैयार रहा। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि ये भाईचारे की जो मिसाल जो हमने आज साथ मिलकर जो पेश करने की कोशिश की है, उसको आगामी बड़े स्तर तक हम लेके जाएंगे और पूरे प्रदेश के अंदर जाट राजपूत जो भाईचारे की एक मिसाल है उसको पेश करेंगे। उसके साथ साथ 3600 कौम के अंदर हम सब लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ काम करेंगे। और इन सरकारों के द्वारा जिस तरीके से हमारे समाजों के अंदर अनेकों प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर हमें लड़ाने का जो काम किया जा रहा है, उसको हम कम करेंगे और इस भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।